हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है ईवीएस का, जिसका नाम है आवर बॉडी पार्ट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल यानी जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, वो ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ा, फिर लंग्स के बारे में पढ़ा, अब हम आ गए किसके बारे में? हार्ट के बारे में। हार्ट जो आप सब जानते हो, हमारा दिल, हार्ट वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में? तो आवर हार्ट इज़ ए पियर शेप्ड ऑर्गन, यानी हमारा जो हार्ट है वो किस आकार का, किस शेप का ऑर्गन है? पियर। पियर एक फ्रूट होता है, अगर आपने सुना हो तो, नाशपति, वनस्पति, नाशपति करके एक फ्रूट होता है पियर, उसी शेप का क्या है हमारा हार्ट है। ये हार्ट का डायग्राम दिख रहा होगा ना आपको, ये हार्ट का, इस तरह का हार्ट है हमारे बॉडी के अंदर। ये एक पियर शेप का, पियर यानी नाशपति करके एक फ्रूट है, उस शेप का, इस प्लेस बिटवीन द लंग्स। और ये किसके बीच में रखा हुआ है? दोनों लंग्स, यानी हमारे जो दो लंग्स हैं, हमने जो पिछले फिगर में लंग्स का फिगर देखा था, ये हमारे ऐसे दोनों लंग्स थे, उसके इस जगह हमारे हार्ट को क्या किया गया है? प्लेस किया गया है, रखा गया है। इट इज साइज ऑफ ए फिस्ट, यानी इसका जो साइज है, साइज यानी ये कितना बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है हमारे फिस्ट, फिस्ट यानी हमारा मुट्ठी है ना, हमारे हाथ को बंद करना आप तो मुट्ठी बन जाती, उस मुट्ठी जितना बड़ा हमारा क्या है, हार्ट है। इट बीट ए नंबर ऑफ टाइम्स इन ए मिनट, और ये एक मिनट में बहुत बार क्या करता है, बीट करता है, बीट यानी धड़कता है। तो आपको बताने के लिए मैं बता दूं, ये एक मिनट में कितने टाइम धड़कता है? 72, यानी एक मिनट में 72 बार ये क्या करता है, बीट करता है, यानी धड़कता है। इट पंप ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट, हार्ट का मेन काम ये है, हार्ट का काम कि ये ब्लड को पंप करता है। जैसे मोटर देखा है ना आपने अपने घर में, कि मोटर क्या करता है, पानी को पंप करता है और पानी को घर के अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, वैसे ही हार्ट हमारे बॉडी का पंप है। पंप यानी मोटर की तरह है, जो खून को पंप करता है और वो पंप करते हुए सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है बाय कंटिन्यूअस पंपिंग। और ये लगातार जो पंप करता है हार्ट, यानी इसके कारण ये किसको भेजता है? ऑक्सीजन को, फूड को, न्यूट्रिएंट को। यानी हमने लंग्स पढ़ा था ना, उसमें हमने बोला था ना ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड से फिर सारे बॉडी में चला जाता है। तो ये ब्लड में जाने के बाद उस ऑक्सीजन को सब बॉडी में कौन भेजता है? ये हार्ट। तो हार्ट ऑक्सीजन को भी सारे बॉडी में भेजता है, खाने को भी सब जगह भेजता है, न्यूट्रिएंट्स यानी जो पौष्टिक तत्व है, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको भी हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में कौन भेजता है? हार्ट भेजता है। यानी हम खाना खाते हैं वो भी हमारे ब्लड में चला जाता है, न्यूट्रिएंट भी ब्लड में चला जाता है, ऑक्सीजन भी कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में जाके वो कहाँ आता है? हार्ट में आता है, और हार्ट उसको क्या करता है? पंप करता है, ताकि वो बॉडी के हर जगह पे पहुँच जाए, क्योंकि हमारा खाना तो हमारे पाँव में भी जाना चाहिए, हाथ में भी जाना चाहिए, सर में भी जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। तो सब जगह खाने को और ऑक्सीजन को कौन पहुँचाता है? हार्ट पहुँचाता है। तो हमें हमारे हार्ट को क्या रखना पड़ेगा? फिट रखना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू हैव ए हेल्दी हार्ट, अगर आपको अपने हार्ट को क्या रखना है? हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ रखना है, फिट या स्वस्थ, यानी आपके अपने हार्ट को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको रोज क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रेगुलरली यानी रोज। और रोज अगर आप एक्सरसाइज करोगे, कसरत करोगे, तो आपका हार्ट हमेशा क्या रहेगा? फिट रहेगा। नेक्स्ट जो हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो है स्टोमक। स्टोमक आपने नाम सुना ही होगा। तो स्टोमक क्या है? तो स्टोमक इज ए जे शेप्ड बैग इनसाइड आवर बॉडी, यानी स्टोमक क्या है? एक जे शेप का, आपने इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ना जे लेटर, ऐसे लिखते हैं कैपिटल जे, देखो इसी तरह फिर यू घूम के ये बना हुआ है। देखो ये फिगर दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें देखो जे की तरह शेप का एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर है, दैट चर्न द फूड, और जो फूड को क्या करता है? चर्न करता है। चर्न का मतलब क्या होता है? पीसना, यानी वो खाने को क्या करता है? पीसता है, लाइक ए मिक्सर। जैसे आपके घर पे मिक्सर होगा ना, मम्मा मिक्सर में प्याज को पीसती है,
जूस बनाते हैं तो वो पूरी तरह पिस के एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, या तो एक पेस्ट की तरह बन जाता है, एक पेस्ट की तरह बन जाता है। वो काम कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर स्टोमक करता है। आफ्टर फूड इज च्यूड, च्यूड का मतलब चबाना, च्यूड का मतलब क्या होता है? चबाना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे मुंह के अंदर यानी माउथ के अंदर खाना लेते हैं, फिर उसको वहाँ पे चबाते हैं, च्यू यानी चबाते हैं, फिर इट रीच द स्टोमक पासिंग थ्रू द फूड पाइप, और फिर वो स्टोमक में पहुँचता है। लेकिन किसके द्वारा पहुँचता है? फूड पाइप यानी खाने को ले जाने की एक पाइप है जो हमारे गले से होते हुए स्टमक में जा रही है। हमने खाना मुँह में लिया, दांतों ने खाने को चबाया, चबाने के बाद हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर खाना चला गया। फूड पाइप से खाना कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया, स्टमक में चला गया। द स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, और वहीं पे स्टमक क्या करेगा, किस में मदद करेगा? खाने को डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्ट यानी पचाने में, यानी खाने को पूरी तरह से पचाने में, एंड कन्वर्ट इट इंटू पेस्ट, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक पेस्ट में या एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी खाना किस में चेंज हो जाएगा? पिस पिस के, चर्ण होके लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर खाना कहाँ चला जाएगा? मैंने बताया था ना, हार्ट यानी ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में हमारा वो खाना चला जाएगा। और खाना खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, आप सबको पता है ना। तो वो खाना खाने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो वो खाने को पचाने का काम यानी डाइजेस्ट का काम कौन करेगा? स्टमक। तो सबसे पहले हमने ब्रेन पढ़ा, तो ब्रेन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। लंग्स पढ़ा, लंग्स सांस लेने में मदद करता है। हार्ट पढ़ा, हार्ट ब्लड में ऑक्सीजन और खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। स्टमक उसी खाने को क्या करता है? पचाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हम पढ़ेंगे, वो है किडनी। नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है? किडनी, के आई डी एन ई वाई, किडनी। एस किडनीस इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर दो पेयर ऑफ किडनी होती है। आवर किडनी आर द टू बीन शेप्ड ऑर्गन, और दो कैसे शेप के ऑर्गन होते हैं? बीन यानी एक मटर के आकार के हमारे दो क्या होती है? किडनी हमारे बॉडी के अंदर होती है। एंड फिल्टर द वेस्ट मटेरियल, और हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने के बाद बहुत सारे वेस्ट भी बनता है। वेस्ट यानी जो गंदे पदार्थ होते हैं, वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को फिल्टर, फिल्टर का मतलब शुद्ध करना, फिल्ट्रेशन यानी शुद्ध करना, उसको शुद्ध करने का काम क्या किसका है? किडनी का। तो किडनी का क्या काम है हमारे बॉडी में? वेस्ट को, वेस्ट यानी जो हमारे गंदे पदार्थ है उसको क्या करना है? फिल्टर करने का काम है, एंड प्रोड्यूस यूरिन। और ये किडनी उस गंदे पदार्थ को फिल्टर करती है, तो उसमें से जो अच्छा निकलता है वो तो कहाँ पहुँचा देती है? वापस बॉडी में पहुँचा देती है, और उस गंदे पदार्थ को वो किस में चेंज कर देती है? यूराइन में। यूराइन यानी जो हम लोग पेशाब जाते हैं ना, उसमें जो लिक्विड निकलता है वो यूराइन, वही क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये यूराइन भी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 glasses ऑफ प्योर वाटर, आपको रोज कितने ग्लास शुद्ध पानी पीना है, कितने ग्लास प्योर वाटर पीना है? आपको 8 glasses, कितने ग्लास प्योर पानी पीना है? 8 glasses प्योर पानी पीना है, तब जाके आपकी किडनी क्या रहेगी? फिट रहेगी। तो आपको रोज कितने ग्लास पानी पियोगे बच्चों? 8 glasses पानी पियोगे, और कैसा पानी पियोगे? प्योर वाटर, प्योर यानी शुद्ध पानी पियोगे, तब जाके आपकी किडनी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। तो किडनी हमारे बॉडी में वेस्ट को क्या करता है? फिल्टर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन के बारे में पढ़ना है वो है हमारे बोन्स, और क्या है? मसल्स। बोन्स हमारी हड्डियाँ, और मसल्स यानी जो हमारे हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियाँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। यानी बोन्स यानी तो हड्डियाँ, और मसल्स यानी मांसपेशियाँ, ठीक है। वी गेट शेप ड्यू टू आवर बोनी फ्रेमवर्क, आज हम लोग खड़े क्यों हैं, खड़े क्यों हो सकते हैं, चल क्यों सकते हैं, हमारे बॉडी का शेप किसकी वजह से है? बोन की वजह से। यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम यानी हमने देखा ना, फोटो रखने के लिए एक फ्रेम बनती है, वैसे हमारी बॉडी की भी एक फ्रेम है, उसको
किसने मदद किया बनने में? बोन ने, और उस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन. क्या बोलते हैं? स्केलेटन. स्पेलिंग याद रखना, SKELETON. तो स्केलेटन की वजह से ही हमारे बॉडी का जो शेप है वो बना हुआ है. कितने टाइप के बोन है हमारे बॉडी में? तो 206 बोन. कितने टाइप के बोन है? 206 बोन्स हमारी बॉडी में है. फिर उसके बाद मसल्स. मसल्स हेल्प अस टू मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये बोन्स है, इसके ऊपर क्या चिपके हुए हैं? मसल्स चिपके हुए हैं, और ये मसल्स मदद करते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स को मूव करने के लिए. आप हाथ को हिलाते हो, पाँव को हिलाते हो. ये बच्चा देखो फुटबॉल को किक कर रहा है, ये लड़की बॉल से खेल रही है, बॉल को उठा रही है. लिफ्ट यानी उठाना, किक यानी मारना, है ना? तो ये सब कर रहे हैं, ये किसकी मदद से कर रहे हैं? बोन और मसल्स की मदद से, क्योंकि बोन से मसल चिपके रहते हैं और मसल्स हमें बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में यानी हिलाने में मदद करते हैं. सम मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. और ये मसल्स किससे जुड़े हुए रहते हैं? बोन्स से अटैच यानी जुड़े हुए रहते हैं. मूव अवर, हम हमारी आँखों को मूव करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, लेग्स को हिलाते हैं, है ना, हमारे आर्म्स को हिलाते हैं, यानी एवरी पार्ट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स. यानी आपके बॉडी के जितने भी पार्ट है उन सबको अगर आपको क्या कराना है? मूव कराना है. तो मूव कराने में आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? मसल्स की मदद लेनी पड़ेगी, और साथ में बोन की भी मदद लेनी, यानी बोन और मसल दोनों चाहिए हमें बॉडी को मूव करने के लिए. द बोन मूव्स बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द मसल्स. तो ये मसल्स बोन को खींचते हैं. पुल यानी क्या होता है? खींचना. ये मसल से बोन को खींचते हैं और इसके कारण बोन क्या होने लग जाते हैं? मूव होने लग जाते हैं, और हमारी बॉडी भी क्या करने लग जाती है? बॉडी के पार्ट्स भी क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं. तो ये काम है किसका? बोन्स और मसल्स का हमारे बॉडी में. अब आगे नॉलेज ट्री में हम देखते हैं, एक बात बता रखिए. देखो, अवर बॉडी इज़ लाइक ए मशीन. हमारी बॉडी क्या है? मशीन की तरह. जैसे हमारे घर में कोई मशीन होती है तो उस मशीन को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो जाती? ख़राब हो जाती. वैसे हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो हमें बॉडी का भी क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा. सो वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी बाई कीपिंग इट फिट. तो हमें हमारी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हमारी बॉडी को क्या रखना पड़ेगा? फिट और हेल्दी, यानी स्वस्थ रखना पड़ेगा. हमें हमारी बॉडी को क्या रखना पड़ेगा? स्वस्थ रखना पड़ेगा, फिट और हेल्दी. और ऐसा रखने के लिए हमें क्या करना है? आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है तो आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, आपकी बॉडी को साफ करना पड़ेगा लगातार. साफ का मतलब नहाना पड़ेगा, नाखून काटने पड़ेंगे, है ना, और उसके अलावा आपको बाल की सफाई रखनी पड़ेगी. सब चीज़ों को आपको क्लीन रखना पड़ेगा. आपको अच्छा खाना खाना है, आपको बॉडी को क्लीन करना है, और आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, तब जाके आपकी बॉडी क्या रहेगी? फिट रहेगी. और आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपकी बॉडी अच्छे से क्या करेगी? काम करेगी. तो इस तरह हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया है. इसमें हमने पहले सेंस ऑर्गन पढ़े, फिर हमने एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो बाहर से दिखाई नहीं देते, अंदर रहते हैं. फिर इंटरनल ऑर्गन में हमने सबसे पहले ब्रेन पढ़ा, फिर लंग्स पढ़ा, फिर हार्ट पढ़ा, फिर स्टमक पढ़ा, फिर किडनी पढ़ा, और उसके बाद फिर क्या पढ़ा? बोन्स और मसल्स को पढ़ा. इसके साथ हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया. हम